शहबाज शरीफ साहब की उस 400 बीसी की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो हसबे साबिक ये पूरा टबर आले शरीफ हसबे साबिक हर रोज़ हर दूसरे दिन पूरी पाकिस्तानी कौम और मीडिया के साथ जो है वो 400 बीसी करता है। कुछ दिन पहले जो है वो अपनी 3 साल की जो रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, इनके नकम्मेपन की, इनकी नाअहली की, उसको हमारे सर पे थोप के जो है वो बेगम सफदर अवान साहिबा ने ट्वीट कर दिया, वो एक जालसाजी और 420 थी। एक 420 कल नज़र आई कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी भड़के मारा करते थे कि जनाब मैं लंदन जाके डेली मेल के ख़िलाफ़ जनाब केस दायर करूँगा, मुकदमा दायर करूँगा, लेकिन वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का और मरा हुआ। इन्होंने सिंपल डेली मेल को जो है वो गिला शिकवा भेजा है कि जनाब आपने ये क्यों किया, आपके रिपोर्टर ने जनाब ये रिपोर्ट क्यों लगाई। इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने भी इनको कल पॉइंट आउट किया है कि जनाब आप जिगरा रखें, आप जाके लंदन की अदालत के अंदर जाकर बकायदा केस दायर करें, शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ करें, डेली मेल के ख़िलाफ़ करें, डेली मेल के रिपोर्टर के ख़िलाफ़ करें, लेकिन वहाँ जाने की इनको जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई। और लोगों को दिखाने के लिए महज सिर्फ जनाब एक डेली मेल की मैनेजमेंट को जो है वो एक नोटिस भेज दिया कि जनाब आपने हमारे साथ ज्यादती की। तीसरी और आखिरी बात, कल मौलाना फजल रहमान साहब ने जो हमेशा उसूल के नाम पे वसूल की सियासत करते हैं, जो हमेशा 73 के आयन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन और टकेमारियों के रस्ते तलाश करते हैं, जो हमेशा बमा अहलो अयाल और पूरे ख़ानदान समेत हमेशा जमहूरियत के मज़े लूटते हैं, जो हमेशा मैं एक फिक्रा कहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने मौलाना हैं उनका काम होता है अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आवाम तक पहुँचाना, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो मौलाना है जिनका काम आजकल जरदारी साहब का पैगाम नवाज शरीफ साहब को पहचाना और नवाज शरीफ साहब का पैगाम जरदारी साहब को पहुँचाना है, और आजकल बेरोज़गार हैं। हमेशा इनके घर के 10 से लेके 15 अफराद मेंबर कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, वजीर, बशीर हुआ 2.319 मिलियन रकम रखी गई है इस कॉलेज के लिए, अगले साल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। जनाब मोहम्मद ताहिर परवेज साहब, नहीं जी डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मुमताज अली साहब। जनाब अलिफ, जनाब स्पीकर, क्या ये दुरुस्त है कि जिला रहीमियार खान कि 50 लाख की आबादी के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कायम ना की गई? जनाब स्पीकर, मुझे जवाब दिया गया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त ना है। ज़िला रहीमियार खान में कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिनमें इन्होंने मुझे पूरी एक लिस्ट दी गई जनाब स्पीकर, जिसमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट कोटे से है जी, शेख जायद मेडिकल कॉलेज, NCBA&E। जनाब स्पीकर, मैं ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ज़िला रहीमयार खान एक हलके का नाम नहीं, ये जितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने मेंशन की हैं ये एक PP कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाई करती है। स्पीकर, 4 तहसीलों पे मुश्तमिल एक ज़िला है, 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे मुश्तमिल एक ज़िला है, 42 स्क्वायर किलोमीटर्स पे डेमोग्राफिकली लाई करते हैं जी ये ज़िला। तो मैं इनसे पूछता हूँ जनाब स्पीकर के सप्लीमेंट